जय हिंद अग्निवीरो। चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर ली जाए। आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल क्लास आप लोग का आता है, जो कि रोज दोपहर, देखो हम लोग 1 बजे करते हैं, तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का क्लास करने का। बहुत स्पेशल क्लास रहेगा आज, जो है देखो हम लोग नदी किनारे स्थित शहरों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे। बहुत ज्यादा बार आने वाला टॉपिक है, इंडियन आर्मी का पेपर में हमेशा एक सवाल तो इस टॉपिक से आना ही आना है, फिक्स समझो। तो चलो शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है देखो कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा स्थित शहर कौन सा है, सारा क्वेश्चन आज आपका होगा भारत में और इसके साथ साथ विश्व में जितने भी आपके देखो यहाँ पर जितने भी नदी किनारे स्थित शहर हैं उन सभी को जो है देखो हम लोग करने वाले, ठीक है, वो सभी के सभी आपके आज हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है देखो शुरू करना है हमको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यह देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या मिला हुआ है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, कानपुर, पटना, वाराणसी या फिर दिल्ली, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सबका जवाब आना चाहिए और इसके साथ साथ जो है देखो सभी लोग को शेयर करना है, ठीक है। जितने भी लोगों ने अभी तक भी अगर क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, और जितने भी हैं सभी लोग जो है जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है ये सभी जो है देखो जल्दी से इस क्लास को, इस सेशन को जो है लाइक कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका यहाँ पर, इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या है? तो ये देखो होता है दिल्ली, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बहुत पुरुषोत्तम सिंह, जय हिंद, बिंदेश्वर, बहुत जय हिंद, चलिए जगोत्रा विशाल, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो क्या हो गया, गंगा दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली नहीं है। तो अगर दिल्ली आपका गंगा किनारे नहीं है तो फिर कहाँ पे है? तो याद रखोगे तो फिर यह जमुना किनारे है, ठीक है। अगर दिल्ली गंगा किनारे नहीं है तो कहाँ पे है? तो यह जो है देखो आपकी जमुना किनारे हो गए, ठीक है। और बाकी तीनों का याद रखना, ये तीनों का तीनों जो है देखो आपका गंगा नदी के तट पर है, पूछा जाएगा तो सभी लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती, चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या फिर सुल्तानपुर, क्या होगा सही जवाब? बहुत बार आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे। निम्न में से कौन सा नदी है, कौन सा नगर है जो कि आपका गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए गोमती नदी वाला सवाल इंडियन आर्मी हमेशा पूछ रही है ये, तो गोमती नदी के किनारे जो नहीं है यह है देखो आपका चित्रकूट, ठीक है, याद रखिएगा यह चित्रकूट हो जाएगा, ठीक है। चित्रकूट जो है आपका देखो बिल्कुल सही जवाब है, और बाकी जो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर है याद रखेंगे ये गोमती नदी के किनारे, नोट करते चलोगे, ये नहीं कि एक्स्ट्रा है तो इसको नोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग जो है नोट करते चलिए, ठीक है। याद रखिएगा लखनऊ, ये पूछा हुआ है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। पूछा गया हुआ है कि जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे, ठीक है, सबकी का क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। भुवनेश्वर पियोंग, बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा कुमारी, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है देखिए कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, क्या सवाल है देखो यहां पर। तो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि गंगा नदी पर जो है कौन सा प्रांतीय राजधानी है, गंगा नदी पर कौन किसकी राजधानी स्थित है, कौन सी राजधानी, कोलकाता की, लखनऊ की, भुवनेश्वर की या फिर पटना की, कौन सी जो है देखो यहाँ पर राजधानी स्थित है। तो वह प्रांतीय राजधानी जो कि देखो आपकी गंगा नदी पर स्थित है वह क्या है, तो वह देखो आपकी यहाँ पर पटना है, ठीक है, याद रखिएगा जो पटना है यह देखिए आपकी गंगा नदी पर है, ठीक है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता याद रखेंगे यह देखो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है, सबकी का ध्यान में होना चाहिए। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो जो कोलकाता है यह देखो आपका हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। और पटना कहाँ है, तो पटना देखो गंगा नदी के किनारे है, सबको ध्यान में रखिएगा, क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, यह सवाल जो है देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर कर्णप्रयाग, पूछा हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर में जो है देखो पहले आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखो जितने भी लोग आज सुबह 9 बजे वाला क्लास मिस कर दिए हो मैथ एंड रीजनिंग का, वो सब जाके जरूर देख लेना, आज सुबह 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग का बहुत अच्छा क्लास हुआ था, तो सबको जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के बाद याद रखिएगा सभी से मिलेंगे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास में। तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर जो है देखो आपका इलाहाबाद स्थित है, ठीक है, जिसको अब किस नाम से जानते हैं, तो जिसको देखो आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसको जो आप देखो प्रयागराज कहा जाता है। बहुत अच्छे संदीप कुमार, बहुत बढ़िया, अभय कुमार, बहुत अच्छा, रवीना ठाकुर, रुचिका जाट, बहुत सही, बहुत सही, कुंदन कुमार, बहुत बढ़िया, संदीप यादव। चलो अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है। पणजी गोवा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या फिर पिन्नार, जो पणजी गोवा है यह किस नदी पर, आया हुआ सवाल है,
ये वाला सवाल आपका आर्मी का पेपर में पूछा हुआ है। चलिए जल्दी सबके जवाब देंगे और बताएंगे कि पणजी गोवा जो है यह देखो आपका किस नदी पर अवस्थित है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो जो पणजी है या फिर यही गोवा अगर बोल देगा तो याद रखना ये मांडवी नदी पे, ठीक है। ऐसे भी पूछेगा कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है। और अगर केवल गोवा लिख के दे देगा तो गोवा भी याद रखिएगा मांडवी नदी ही होगी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है आपको कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गंगा, अलकनंदा, यमुना या फिर भागीरथी। क्या होगा सही जवाब, जो आपका देखो आगरा है यह किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही जवाब जो है सबका आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पर बताइएगा और अपना अपना जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर जो है सब लोग यहाँ पे करेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा जो है यह देखो आपका यमुना नदी के किनारे है। बहुत अच्छा, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मिला है आपको कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। चलो बिल्कुल सही जवाब देंगे सबको, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए, किसी का भी जो है ना ही गलती जाएगा और कोई भी जो है मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सबको एक आंसर यहां पर आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है यह किस नदी के तट पर है, तो यह देखो आपका झेलम नदी के तट पर है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के तट पर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको, अगला सवाल है देखो यहाँ पे कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जीडी का, ट्रेडमैन का और नर्सिंग असिस्टेंट का, तीनों में आ रखा है। बिल्कुल सही सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे क्या होगा सही जवाब। चलो जल्दी सबको जवाब करोगे और बताओगे यहाँ पर, बिल्कुल सही जो है देखो सबका आंसर आना चाहिए, कोई भी जो है गलती नहीं करिएगा। क्या होगा सही जवाब, तो उज्जैन जो है यह देखो आपका सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भाई कुमार, शाहिद अंसारी, प्रतीक्षा कुमारी, गुरुचरण, बहुत बढ़िया। बंधु राव, बहुत सही, बहुत सही। आर्मी बॉय पीजी, बहुत बढ़िया, बहुत सी। उदय रोय, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दामोदर। अगला देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्वर्णरेखा, अगला देखो मिला हुआ है मयूराक्षी, अगला है देखो आपका अजय। क्या होगा सही जवाब, चलिए जल्दी सबको का जवाब आना चाहिए। दामोदर जो है यह देखो किस नदी के तट पर है, और जमशेदपुर किस नदी के तट पर है, तो जो जमशेदपुर है यह देखो आपका स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बी किसका किसका आया है, बी वालों का जवाब सही होगा, बी वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है। वाले देखो कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, अगला देखो दिया हुआ है कानपुर, अगला है इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चलो जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से जो है सभी का जवाब आना चाहिए। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्या होगा सही जवाब, तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है यह देखो कानपुर होता है। सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा, क्या होगा सही आंसर, तो सी कानपुर होगा, ठीक है। कानपुर कौन कौन की हो, कानपुर वालों का जवाब सही है, कानपुर वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो मिला है आपको कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा वाला भी मैंने सबको बताया है, जो आगरा है यह देखो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। अगर आगरा का पूछेगा तो आगरा में सबको ध्यान में रखेंगे यमुना हो जाएगा, ठीक है। पुरुषोत्तम सिंह, बहुत बढ़िया। आरजे किशन, गुरुचरण, बहुत अच्छे। शाहिद अंसारी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल है देखो कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना, गंगा, ए और बी दोनों। अगला में देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सतलज नदी, क्या होगा सही जवाब, इलाहाबाद किस नदी के तट पर है। सभी क्लासेज की रूटीन याद रखेंगे, रोज सुबह 9 बजे जो है देखो आपका मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आता है, रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो 9 बजे जुड़ना है मैथ एंड रीजनिंग के लिए, 1 बजे जीके जीएस के लिए, और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर के लिए। तो इस क्लास के बाद आप सबसे मिलेंगे शाम 7 बजे। तो इलाहाबाद जो है यह देखो आपका गंगा और यमुना दोनों के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है देखो आर्मी का पेपर में आता है, हमेशा पूछा गया है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। चलो देखते हैं किसका इसका जवाब सही आएगा। अभी भी मैंने सबको बताया, अभी नोट भी करवा दिया था, तो जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी, बहुत बढ़िया। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही क्यों, ठीक है।
यमुना नदी के लिए याद रखोगे ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यह देखो यमुना होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र में याद रखिएगा ये आपकी सबसे चौड़ी नदी है इंडिया की, ठीक है। अगर सबसे चौड़ी नदी बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र, या फिर इसके साथ साथ याद रखिएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछता है तो माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, ठीक है। यह क्या है, तो ये देखो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस देश में है, तो याद रखेंगे ये भारत देश में है, और किस राज्य में है, तो यह देखो असम राज्य में है, ठीक है। सभी का क्लियर होना चाहिए। गंगा नदी क्या है, तो गंगा नदी देखो सबसे लंबी नदी है भारत की, ठीक है, जो कि सबसे लंबा बहती है भारत में, ये गंगा नदी है, ठीक है। सबको इसको ध्यान में रखना है, सबको क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, क्या सवाल है यहाँ पे कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, भीमा नदी, रामगंगा नदी, गंगा नदी या फिर राप्ती नदी। चलो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं जाना चाहिए किसी का भी, ठीक है। चलो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दोगे, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जो कानपुर है यह देखो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सभी कीजिएगा, तो जो कानपुर है यह देखो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती, मूसी, स्वर्णरेखा, और ऑप्शन नंबर डी में भी आपका ताप्ती है। चलो ए करो या डी करो सही जाएगा, क्या होगा सही आंसर आपके अनुसार, सही जवाब क्या है, जो सूरत है यह देखो किस नदी के तट पर स्थित है, जो सूरत है यह देखो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो अभी तक जो है मैंने करीब करीब 20 प्लस आपको टॉपिक की क्लासे करवा दी है, ठीक है। मैंने जो है अभी तक आपको टोटल 20 प्लस जो है देखो टॉपिक वाली क्लासेज करवा दी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके क्लास हो चुके हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है वो सब प्लेलिस्ट से जाके देख लेना, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है अग्निवीर जी के जिस टॉपिक क्लास लेके, तो सभी लोग जो है जाके अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे है, तो यह देखो ताप्ती नदी के किनारे है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ए या डी दोनों सही होगा, कोई भी कर रहे हो सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कृष्णा नदी, साबरमती नदी, भीमा नदी या फिर कावेरी नदी। जो अहमदाबाद है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो अहमदाबाद है ये किस नदी के किनारे है, यह जो है किस नदी के तट पर है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे, गलती नहीं करना है, ना ही किसी से मिस्टेक जाना चाहिए, क्या होगा सही जवाब। अहमदाबाद जो है यह देखो किस नदी के किनारे है, जो अहमदाबाद है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, क्या कर रहे हैं सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बी आया है, केवल अच्छे इतना अच्छा जवाब रखोगे बहुत बढ़िया बात है। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सरयू नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, चंबल नदी या फिर यमुना नदी। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। जो अयोध्या है यह देखो किस नदी के तट पर स्थित है, जो अयोध्या है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं किसका इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे कोई भी, बिल्कुल सही सबको का जवाब आना चाहिए, क्या आंसर होगा। तो जो अयोध्या है यह देखो स्थित है सरयू नदी के किनारे, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, सबको ये कर दिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सरयू नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी या फिर भीमा नदी। चलिए देखते हैं किसका इसका जवाब आएगा, कौन कौन सही कर रहे हो, मथुरा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए किसी का भी, मथुरा वाला किसका किसका सही आएगा, मथुरा किस नदी के किनारे है, क्या कर रहे हैं आंसर सबको, तो सबका आंसर करना है, कोई बी कर रहे हो कोई ए कर रहे हो। तो जो सही जवाब है यह देखो होगा आपका यमुना नदी, ठीक है, बी वालों का जवाब सही है, किसका इसका बी आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, सबको बी किए हैं, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, बी वालों का आंसर बहुत सही आया है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको मिला है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये है देखो कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने अभी अभी सबको नोट करवाया है ना, चलो देखते हैं कौन कौन बता पाओगे। चलो बिल्कुल सही जवाब करेंगे और सबको बताएंगे, जो कोलकाता है या किस नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही जवाब आने चाहिए, मिस्टेक नहीं होगी, ना ही कोई गलती करेंगे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे स्थित है, क्या होगा सही जवाब, कोलकाता कहाँ पे है, तो जो कोलकाता है यह देखो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। कोलकाता कहाँ पे है, तो जो कोलकाता है यह देखो आपका हुगली नदी के किनारे है, जो कोलकाता है ये कहाँ पे हो गया, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपको यहाँ पे दिया गया यह क्वेश्चन है,
कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी, चंबल नदी, कावेरी नदी या फिर गोमती नदी? ये पूछा हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर में आया हुआ है, जीडी ट्रेड में सभी में आया हुआ है। जो देखिए आपका स्थित है गोमती नदी के किनारे। किसका किसका जवाब डी आया, कौन कौन डी किए हैं, डी किसका किसका आया? बहुत बढ़िया, सबको डी किए हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत ही अच्छे। अगला सवाल है देखो आपका कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी या तुंगभद्रा नदी? जो गुवाहाटी है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी जो है ये किस नदी के किनारे? ये पूछा हुआ सवाल है आर्मी जीडी वालों का, 2021 का पेपर का सवाल है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबकी बताएंगे। जो गुवाहाटी है यह देखो किस नदी के किनारे है? जो गुवाहाटी है यह किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो जल्दी सबके जवाब दो और बताओ गुवाहाटी किस नदी के किनारे है। तो जो गुवाहाटी है यह देखो आपका स्थित है किस नदी के किनारे? तो यह देखो स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। जितना भी लोग यहां पे बी किए हैं इनका आंसर सही होगा, ठीक है, बी वालों का सही है। तो आपका क्या क्वेश्चन है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, महानदी, बेतवा नदी या फिर अगला देखो यहां पे दिया हुआ है कृष्णा नदी? क्या होगा सही जवाब? चलो बिल्कुल सही, सब कोई का जवाब यहां पर आना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? जो जबलपुर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर क्या है? चलो बिल्कुल सही आंसर सबको यहाँ पे करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर सबको यहाँ पे करनी और बतानी है कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो क्या होगा यहाँ पर, तो जो जबलपुर है यह देखो आपका स्थित है किस नदी के किनारे? तो यह देखो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये आया हुआ सवाल है आर्मी जीडी का, 2021 में ही पूछा है, नर्सिंग असिस्टेंट वालों का 2020 का पेपर में आया हुआ है, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखना है। और जवाब क्या हो गया, ये नर्मदा हो गया, ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नर्मदा आएगा, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या फिर बेतवा नदी? सब कोई जो है इस क्लास के बाद शाम 7 बजे जरूर जुड़ेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास में, ठीक है, सबको शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास में, सबको जरूर ज्वाइन होंगे। आज शाम 7 बजे हम लोग 2021 का ओरिजिनल पेपर बनाने वाले हैं इंडियन आर्मी का, ठीक है। और सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जो है देखो आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो जो नासिक है यह देखो आपका गोदावरी नदी के किनारे है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको देखो क्या दिया गया, अगला सवाल है आपका, ये भी आया हुआ सवाल है, ये आपका 2020 का पेपर में है आर्मी जीडी का। चलिए जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे कि जौनपुर जो है यह देखो किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी, सतलज नदी, अलकनंदा या गोमती? जो जौनपुर है यह देखो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो जौनपुर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? जो जौनपुर है ये आपका कहाँ पे है? क्या होगा सही जवाब? चलो जल्दी से जवाब दोगे और सबको यहाँ पे बताओगे। जो आपकी देखो जौनपुर है ये किस नदी के तट पर है? तो जो जौनपुर है यह देखो आपका स्थित है कहाँ पे? तो यह देखो स्थित है गोमती नदी के तट पर, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया, ये बहुत बार आया है लगातार 2017 से लेके 2020 तक का पेपर में आर्मी का आया हुआ है, कभी नर्सिंग असिस्टेंट में तो कभी जीडी में तो कभी ट्रेडमैन में तो कभी क्लर्क में तो कभी आपका जो है टेक्निकल में, सभी में हमेशा पूछा है। चलो जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे। जो उज्जैन है यह देखो किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो उज्जैन है यह देखो बसा हुआ है सिप्रा नदी के किनारे। बहुत अच्छा, ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है। ए कौन कौन किए हैं? बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलो अगला सवाल देखेंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है देखो कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर कावेरी नदी? अब ये तो सबको पता है ना, ये तो मुझे लगता है कि सबको इसको क्लियर होगा, इसमें जो है किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे यहाँ पे कि जो जौनपुर है, जो वाराणसी है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? जो आपकी वाराणसी है ये किस नदी के तट पर है? तो सभी को पता है सही आंसर ये हो जाएगा, देखो गंगा नदी। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, जितना भी लोग बी को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए विश्व वाला रहेगा, ठीक है, भारत में नदी किनारे स्थित शहर से जितना भी सवाल आता है आपका, भारत में नदी किनारे स्थित शहर का जितना भी सवाल है वो आपका हो गया है, करीब करीब 25 सवाल था आपका। अब यहां से आपका देखो करीब करीब देखो पिछला में कितना था, 25 सवाल था, ठीक है, 25 सवाल था, 26 सवाल थे पिछले बार में। अब यहां पर जो है देखो आपका
ये अभी 15 सवाल और रहेगा, ठीक है। चलो बताना है रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है, तो भारत में स्थित नदी किनारे शहर से आपकी 26 सवाल निकली, और अब विश्व में नदी किनारे स्थित शहर वाला करेंगे, ठीक है। इसमें से करीब करीब आपका 14 सवाल है, तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन आज का रहेगा। चलो बताना है सबको यहाँ पे क्या है, देखो ये या बताना है यहाँ पे कि रोम इटली किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, विस्टुला, टाइबर या फिर नील, क्या होगा सही जवाब। चलिए जवाब देंगे और सबको बताएंगे यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। जो रोम इटली है यह देखो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो रोम इटली है यह देखो किस नदी के किनारे है, तो जो रोम इटली है यह देखो आपका टाइबर नदी के किनारे है। सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे, ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है कि लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, विस्टुला, टाइबर या फिर टेम्स, टेम्स की जगह पे थेम्स भी लिख के मिल जाएगा। चलिए जल्दी जवाब देंगे और सबको बताएंगे, पूछा हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर पूछा हुआ सवाल है। चलिए जल्दी सबको बताइए यहाँ पे लंदन जो है ये किस नदी के किनारे है, तो जो लंदन है, जो लंदन शहर है यह देखो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, तो यह जो है देखो आपका बसा हुआ है थेम्स नदी के किनारे। डी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है कि पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, सीन, टाइबर या फिर थेम्स, चलो बिल्कुल सही जवाब दोगे और सबकी बताओगे यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। जो पेरिस फ्रांस है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो पेरिस फ्रांस है यह देखो किस नदी के किनारे स्थित है, इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए जल्दी सबके जवाब देंगे और बताएंगे, जो पेरिस है, जो फ्रांस है ये किस नदी के किनारे पर है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो जो पेरिस है, जो फ्रांस है यह देखो आपका स्थित है सीन नदी के किनारे, ठीक है। बी वालों का सही है, बी किसका इसका, यह देखो क्या दिया हुआ है कि बर्लिन जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है, क्या है सही आंसर, जो बर्लिन है, जो जर्मनी है यह देखो किस नदी के किनारे पर स्थित है, यह कहां पे है आपका, टाइग्रिस, स्वान, विस्टुला या फिर स्प्री, क्या है सही जवाब। जो बर्लिन है, जो जर्मनी है यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, जो बर्लिन है, जो जर्मनी है यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी सबको करना है, बताना है यहाँ पे, तो जो बर्लिन है, जो जर्मनी है यह देखो आपका बसा हुआ है स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा, यह कहाँ पे है, तो यह देखो स्प्री नदी के किनारे है, डी वालों का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि बगदाद इराक किस नदी के किनारे पर स्थित है, टाइग्रिस, स्वान, विस्टुला या फिर नील, सही जवाब क्या है। पांच नंबर ये आपको बताना है सबको, पांचवा सवाल है आपका, देखो विश्व वाला सेक्शन का, विश्व में नदी किनारे स्थित शहर से बगदाद इराक जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो जो बगदाद है, जो इराक है यह देखो आपका बसा हुआ है टाइग्रिस नदी के किनारे। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए आएगा, सबको याद रखना है टाइग्रिस नदी होगा, ठीक। अगला सवाल है देखो आपका कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, विस्टुला, स्वान या फिर नील, जो आपकी पर्थ है या फिर जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यह जो है देखो किस नदी के किनारे है, क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो पर्थ है, जो ऑस्ट्रेलिया है, यह देखिए आपका स्थित है स्वान नदी के किनारे, ठीक है। सी वालों का आंसर यहाँ पे सही होगा, सी आएगा, याद रखना है, ठीक है, सी वालों का जवाब किनारे है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, ये सवाल आपको यहाँ पे मिला है, क्वेश्चन है देखो आपका कि अस्वान मिस्र किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, विस्टुला, स्वान या फिर नील, जो मिस्र है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आपका, जो मिस्र है ये डायस्पेडाइट भी देख सकते हैं, अस्वान की जगह ये मिस्र भी देख सकते हो, जो मिस्र है यह देखो किस नदी के किनारे है, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सबको यहाँ पे करना और बताना है, जो मिस्र है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किया हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी, जनरल ड्यूटी, ह्यूमन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाय कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था।
फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ईबुक को बाय कर लेना, ये मिल रहा है आपको। आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ईबुक है, इस ईबुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ईबुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ईबुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ईबुक देखो, यह जो ईबुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ईबुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेसमेंट, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ईबुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ईबुक को जरूर बाय करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ईबुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ईबुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ईबुक को जरूर बाय कर लेंगे। एक ईबुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो जो मिस्र है यह देखिए आपका बसा हुआ है किस नदी पे, तो यह देखो बसा हुआ है नील नदी के किनारे, ठीक है। डी वालों का सही होगा, डी किसका आया है, डी वालों का जवाब सही है। काफी लोग बी कर रहे हैं, डी आएगा, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि मॉस्को रूस किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, मुस्कावा, टाइबर। अगला देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका टेम्स, ठीक है। क्या होगा सही जवाब है, चलो जल्दी सबके करेंगे और बताएंगे। मॉस्को जो रूस है यह किस नदी के किनारे पर है, तो जो मॉस्को जो रूस है यह देखो आपका स्थित है मोस्कोवा नदी पे, ठीक है। बी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सवाल है कि बोन जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है, स्प्री नदी के किनारे, मुस्कावा नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे या फिर राइन नदी के किनारे। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से जो है सबको का जवाब यहाँ पर आना चाहिए। सभी को ध्यान में रखना है कि इस क्लास के बाद सीधे आपसे मिलेंगे 7:30 बजे, जब आएगा देखो हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास, ठीक है। तो सबको इस 7:30 बजे जरूर जुड़ेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास में, और वो सभी जाके देख लीजिएगा। तो बोन जो जर्मनी है ये किस नदी के किनारे है, तो देखिए यह देखिए आपका स्थित है राइन नदी के किनारे, ठीक है। डी वालों का आंसर यहां पे सही है, जितना का भी जवाब यहां पे ऑप्शन डी है इनका आंसर सही होगा, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखो, यह क्वेश्चन है यहां पे कि काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, मुस्कावा, टाइबर या फिर नील। बस नाम चेंज कर दिया है, पिछला बार भी यही सवाल था, बस चेंजिंग था, इस बार भी यही सवाल है। चलिए जल्दी से सबको का जवाब यहां पे आना चाहिए, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे यहां पे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको का आंसर आना चाहिए, काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे पर है। सभी लोग जो है देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, पिछला सभी क्लास का पीडीएफ दे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के लिए क्या करना है, तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जो है पीडीएफ दे दिया गया है, ठीक है। काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे है, तो जो मिस्र है सबको जान रहे अभी भी सबने किया है, यह देखिए आपका नील नदी के किनारे है, यह जो है नाइल रिवर के किनारे है। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे, यह है देखो यहां पे कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, मुस्कावा, टाइबर, डी में है देखो डार्लिंग। क्या होगा सही जवाब, जो सिडनी है जो ऑस्ट्रेलिया है यह किस नदी के किनारे पर है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही सब लोग आंसर करेंगे और बताएंगे यहां पर कि जो सिडनी है जो ऑस्ट्रेलिया है यह किस नदी के किनारे पर है, यह जो है देखो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो सिडनी है जो ऑस्ट्रेलिया है यह कहाँ पे है, तो सभी लोग जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है सबको जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेंगे, जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी सबको शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप्स में, और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है, तो यह देखो आपका स्थित है ऑप्शन डी डार्लिंग नदी के किनारे, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, डी वालों का जो आंसर है यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सवाल है आपका, यह क्वेश्चन मिला हुआ है कि बुडापेस्ट हंगरी किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्प्री, मोस्कावा, डेन्यूब या फिर डार्ली। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जो बुडापेस्ट है जो हंगरी है यह किस नदी के किनारे पर है, जो बुडापेस्ट है जो हंगरी है यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्या होगा सही जवाब। चलो बिल्कुल सही आना चाहिए, पहले आप सब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखता हूँ किसका इसका आंसर आता है, क्या कर रहे हैं आंसर, बुडापेस्ट हंगरी किस नदी के किनारे है, पहले आप सब करेंगे, ठीक है, फिर जो है मैं बता रहा हूं। तो आंसर आ रहा है सी, सबको लगभग सी कर रहे हैं कि सही जवाब होगा सी। सी में किसका इसका जवाब, तो डेन्यूब होगा, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन सी होगा, डेन्यूब होगा, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे, अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ, ये पूछा जाता है, बहुत बार आर्मी का पेपर में आया हुआ है, जल्दी से सबको जवाब देना और बताना है। जो आपकी देखो वॉशिंगटन है यूएसए, जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, किस नदी के किनारे पर स्थित है, वॉशिंगटन यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, क्या होगा सही जवाब। जो आपका देखो वॉशिंगटन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो यूएसए है या किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे, वॉशिंगटन यूएसए या जो है किस नदी के किनारे पर है, जो वॉशिंगटन है जो यूएसए है या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो जो वॉशिंगटन है जो यूएसए है यह देखिए आपका स्थित है पोटोमैक नदी, ठीक है। डी वालों का जवाब यहां पे सही है, जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन डी को गया है बिल्कुल सही, क्यों, बहुत अच्छा, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है यह देखो यहां पे दिया गया है, क्या क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो यह सवाल है देखो आपका कि वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है, ये यहाँ पे वियमान नहीं वियना लिखा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा वियना लिखा हुआ, वियना वियना लिखा हुआ, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया जो है किस नदी के किनारे है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया होगा। चलिए बिल्कुल सही सबको जवाब देंगे, स्प्री, मोस्कावा, डेन्यूब या फिर पोटोमैक, ये वियना दिया हुआ, ठीक है, वियना लिखा हुआ है। जो वियना है ये किस नदी के किनारे स्थित है, वियना जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, वियना जो है ये किस नदी के किनारे है, तो जो वियना है यह देखो आपका स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे, याद रखनी है। सी वालों का आंसर जो है यहां पे सही है, बहुत अच्छे। चलिए अब जो है आपका देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, यह देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल देखो यहां पे मिला हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल सही सब लोग यहां पे जवाब देंगे और बताएंगे कि जो टोक्यो है जो जापान है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। विश्व में स्थित नदी किनारे शहर से जो है देखो, विश्व में नदी किनारे शहर से जो है देखो आपका 15 क्वेश्चन निकला है, ठीक है, और फिर आपका भारत में नदी किनारे शहर से जो है आपका करीब करीब कितना क्वेश्चन था, 26 क्वेश्चन था, ठीक है। तो टोटल आज आपका 41 क्वेश्चन हुआ है, सबको इसको जरूर बताना है कि 41 में से जो है कितना सवाल सही किए हो, सबको जो है कमेंट करके जरूर बताएगा कि 41 में से कितने सवाल को सही किए। और याद रखना कि इस क्लास के बाद सभी को जुड़ना है 7:00 बजे, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास में जो है सभी लोग 7:00 बजे जरूर जुड़ेंगे, जो कि आएगा 7:00 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास, ठीक है। तो सभी को जो है 7:00 बजे जरूर जुड़ना है, याद रखेंगे सबको, ठीक है। चलिए क्या होगा सही जवाब, टोक्यो जापान किस नदी के किनारे है, तो जो टोक्यो जापान है यह देखो आपका स्थित है अराकावा नदी के किनारे, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो जितना भी क्वेश्चन था ना आपका, ये विश्व में नदी किनारे स्थित शहरों से और भारत में नदी किनारे स्थित शहरों से, वह आपका आज करवा दिया गया है, ठीक है। ये जो है देखो आपका आज हो चुका है, जितने भी लोग क्लास अटेंड किए हैं सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी को लाइक करना है, जितने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर लेंगे, जो भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं सब लोग जल्दी से शेयर कर दो, और जो भी क्लास पे चैनल पे नए होंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, और याद रखिएगा आप सीधे मिलेंगे आपसे 7:00 बजे। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 85 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल, कही
ही केवल यही दो किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ईबुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 85 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ईबुक को खरीद सकते हैं केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ईबुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्वड है। और एक है 3200+ GK GS क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोनपे पेटीएम गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।